हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y18 5G फ़ोन है, तो वीवो Y18 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में वाईफाई स्कैन वगैरह आप कैसे कर पाएंगे, और वाईफाई स्कैन आप कैसे कर सकते हैं वीवो Y18 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई स्कैन आप कैसे कर सकते हैं और वाईफाई को स्कैन करके कैसे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई स्कैन कैसे करें और वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करके कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो रहे हैं जिसमें से आपको सेटिंग्स पर जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो वाईफाई स्कैनर का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा सिंपली वाईफाई सेटिंग्स पे। तो आपको नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे जाना है। तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे जाते हैं, तो अपने फ़ोन में थीम्स वगैरह को, सॉरी, अपने फ़ोन में आप वाईफाई स्कैनर को शो कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, और देख सकते हैं कि वाईफाई स्कैनर कैसे शो कर सकते हैं। सिंपली आपको वाईफाई ऑन करना होगा, यहाँ से इस तरीके से ऑन कर देना है जिससे आपके फ़ोन में स्कैनर सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए आप किसी भी दूसरे फ़ोन का QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क आ रहे हैं तो आपके पास स्कैनर सेटिंग्स भी शो हो रही है, जहाँ से स्कैनर का यूज़ करके आप किसी भी दूसरे फ़ोन का QR कोड स्कैन कर सकते हैं इसके ज़रिए, और स्कैन करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे अपने वीवो फ़ोन में। तो इस तरीके से भी स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं वीवो Y20 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोस को शेयर करें।